हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडिंग स्टैक। मेरा नाम है यश और आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्चिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। सर्चिंग एल्गोरिदम्स, अब सर्चिंग एल्गोरिदम्स हमारे पे दो मेन होते हैं। एक होता है लीनियर सर्च, एक होता है हमारे पे बाइनरी सर्च। तो अब लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, हम लीनियर सर्च में एक लूप लगा के हर एक एलिमेंट पे वन बाय वन जाके आइट्रेट करते हैं। मतलब लूप में पूरे एरे को आइट्रेट करते हैं, वन बाय वन हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं। अगर वो मैच कर गया तो हमारे पास अपना सर्चिंग कंप्लीट है, वरना हमारा सर्चिंग फेल है। पर बाइनरी सर्च स्पेशल सर्च है। अब उसमें क्या करते हैं, इसका प्री रिक्विजिट होता है हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। लेट से हमारे पे एक एरे है 1 2, हमारे पे 9 एलिमेंट का ये एरे है। अब हमें इसमें सर्च करना है कोई एलिमेंट, सॉर्टेड एरे है, इसमें हमें एलिमेंट सर्च करना है। लेट से 9 9 हमें सर्च करना है, की हमारा 9 है, या एलिमेंट टू बी सर्च इज 9। अब इसको सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हर बारी, आधे आधे के दो एरे बनाते हैं, लेफ्ट एरे राइट एरे। करते क्या है, हम एक स्टार्ट एलिमेंट बनाएंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू 0, और एक एंड एलिमेंट बनाएंगे, उसका वैल्यू यहाँ पे 9 एलिमेंट है यानी 8 होगा। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ई। अब एक मिड होता है, मिड क्या स्टोर करता है कि किधर हमारा एरे टूट रहा है, यानी वो होगा एस प्लस ई बाय 2। ये होता है हमारा कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं वाइल वाइल एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, सॉरी एस इज लेस देन इक्वल टू ई। अब ये कंडीशन हम देखेंगे कि ऐसा क्यों ले रहे हैं, पर उसके पहले देख लेते हैं पूरा का पूरा चीज़। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारा इसमें तीन केस बनते हैं, क्या होता है अगर हमारा मिड एलिमेंट मिड मिड इंडेक्स पे यानी एरे मिड, अगर हमारा एलिमेंट ही है, मतलब सॉरी अगर हमारा की है यानी ये 9, तो हम सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे। पर अगर नहीं है तो अब उसमें एक केस है कि अगर ए आर आर मिड यानी जो मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर उसका वो के से छोटा है, समझ रहे हो, यानी अगर जो इंडेक्स मिड इंडेक्स पे, अभी हमारा इंडेक्स क्या है 5, सॉरी अभी हमारा इंडेक्स है एस प्लस ई बाई 2 यानी 4, 0 1 2 3 4, यानी इंडेक्स 5 है, सॉरी इंडेक्स 4 है, एलिमेंट 5 है हमारे पे। अगर हमारा 5 की से छोटा है, की कुछ भी हो सकता है, अगर छोटा है तो हमको ये हमें ये वाला एरे जो है यानी 5 के पहले वाला वो कंसिडर करना है, पर अगर नहीं है तो हमें ये वाला कंसिडर करना है। समझ रहे हो कि कैसे ये दो पार्ट में टूट रहा है। अगर ये एलिमेंट की से छोटा है तो हमें लेफ्ट वाला एरे देखना है, पर अगर इससे बड़ा है तो हमें राइट वाला एरे देखना है जो बचा हुआ एरे है। यानी हम एरे को दो दो पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं एक तरीके से। तब हम क्या करेंगे, अगर इससे छोटा है तो हम एंड इंडेक्स को मिड माइनस वन कर सकते हैं, मिड माइनस वन, ताकि अब हमारा जो एरे बनेगा वो ये वाला रहेगा जो इन कंसिडरेशन एरे है, यानी जिसको हम चेक कर रहे हैं जो एक्चुअल सब एरे है हमारा, कह लो एस से लेकर ई तक का, वो हमारा ये हो जाएगा। एल्स क्या होगा, हमारा जो एस है वो मिड प्लस वन हो जाएगा। अब हमें ये ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमें एलिमेंट मिल नहीं जाता, और अगर एलिमेंट लास्ट में नहीं मिला तो लास्ट में तो रिटर्न माइनस वन कर देना हमें, कि हमें इंडेक्स नहीं, हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा। तो चलो इसको कोड में देखते हैं, फिर इसको ट्राई रन भी कर लेंगे। हमने पहले लीनियर सर्च का देखते हैं, लीनियर सर्च में मैंने क्या बोला, एक लूप लगाओ पूरे एरे में और हर एक आई इंडेक्स को वन बाय वन चेक कर लो कि उस इंडेक्स पे वो एलिमेंट है कि नहीं, अगर है तो वो इंडेक्स रिटर्न कर दो। तो इधर हमने वही किया, लूप बनाया, एलिमेंट देखा कि इक्वल है, अगर एलिमेंट इक्वल है तो हमने रिटर्न इंडेक्स कर दिया, और अगर नहीं है तो रिटर्न माइनस वन कर दिया। अब यहाँ पे हम फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं एरेज के लिए, सर्चिंग के लिए हम इसका इसका यूज़ कर रहे हैं।
फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं सर्चिंग के लिए, कि लीनियर सर्च के लिए हमने एक अलग फंक्शन बनाया, बाइनरी सर्च के लिए एक अलग फंक्शन बनाया। और ये जो एरे आपका पास हो रहा है इधर, ये बात ध्यान रखना, एरेज एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में जब मेथड्स पढ़ा रहा था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में सॉरी, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि एरे एक ऑब्जेक्ट की तरह पास होता है। अगर हम एरे पास कर रहे हैं, इसका मतलब हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं, यानी कि हम रेफरेंस पास कर रहे हैं उस एरे का। और बाइनरी सर्च में हम क्या कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला, एक लेफ्ट इंडेक्स एक राइट इंडेक्स बनाया हमने, उसमें लास्ट फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स स्टोर किया है, हमने उसमें लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स स्टोर किया है। अब हम मिड में क्या कर रहे हैं, हाँ उसके पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने मिड में यहाँ पे ये चीज़ आपको बताया था, एक तरीका ये है, पर इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जैसा हम जानते हैं इंट का साइज़ कितना होता है, इंट होता है आपका चार बाइट यानी कि 32 बिट्स, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 32 बिट्स हो गए। अब इसका हाईएस्ट रेंज क्या है, मैक्सिमम कितना एलिमेंट स्टोर कर सकता है, 2^31-1 इतने एलिमेंट यह स्टोर कर सकता है। अब मान लो कि आपका एस भी इसका है और ई भी इसका है, यानी एस इज 2^31-1 एंड ई इज ऑल्सो 2^31-1, पर जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका 2^32-2। अब देख लेना आप खुद ही ऐड करके, यही होगा बाय 2। पर इधर जब आप ऐड कर रहे हो तो ये एक टेम्पररी इंट वैल्यू में स्टोर होता है। ये थोड़ा इन डिटेल कैसे आपका वैल्यू स्टोर हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका जो 2^32-2 है, ये आपका एक टेम्पररी कैलकुलेशन वैल्यू है, इसको स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं तो ये स्टोर होगा ना एक बारी के लिए कैलकुलेशन में, तो उसमें तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, पर हमने इसको जो टेम्पररी वेरिएबल में हमने जो स्टोरेज दिया इसको, वो तो इंट साइज़ का दिया, यानी हमने उसको ये वाला साइज़ दिया पर उसमें ये इतना बड़ा नंबर स्टोर कर रहा है, यानी ये एक एरर है क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता है, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो इस केस में एरर आ जाता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं e-s/2, हम ये कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2e-e+s/2 विच इज़ इक्वल्स टू e+s/2, जैसा हमारे पास इधर आ रहा है, पर इधर जब ये माइनस हो रहा है तो 2^32-2 का वैल्यू नहीं आएगा, ये हमेशा इसके फॉर्मेट में ही रहेगा 2^31-1, चाहे मैक्स से मैक्स हो जाए। तो उस कारण से हमने ये वाला रखा है कि right minus left by 2, जैसा मैंने इधर बोला आपको, e equals to e minus e minus s by 2, ये वही है, बस e की जगह right यूज़ कर रहे हैं और s की जगह left यूज़ कर रहे हैं। तो mid मैंने बना लिया, अब इसमें left में हमने s should be less than equal to eq किया है, वो हम देखेंगे अभी, पर ये कंडीशन आपको याद है। और बाकी मैंने आपको जैसे समझाया था मैंने पूरा का पूरा वही किया है, और लास्ट में इसके पहले हम इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप मिड का वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहे हो तो मिड तो आपका इसी पे रह रहा है, बार बार यही वाला एलिमेंट चेक होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको बार बार मिड को चेंज करना पड़ेगा कि मिड इज़ s+e/2। तो अगर हम देखें अब इसका कैलकुलेशन कैसे बन रहा है, तो आप देख सकते हो कि पहले लेट से हमारे पे एक एरे था एन साइज़ का, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पे एरे बन गया n/2 का, फिर हमारे पे क्या बनेगा n/4 का, एंड सो ऑन। ये कब तक चलेगा, n/2k तक, जब तक इसकी वैल्यू less than equal to 1 नहीं हो। अगर 1 के बराबर हो गई तो ब्रेक कर जाएगा, यानी अगर हम इसको देखें तो 2^k = n एक तरीके से। और अगर हम लॉग ले ले, मैथ में होता है log base 2, तो ये आ जाएगा आपका k = log n। तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बाइनरी सर्च का।
अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि आपको एक एल्गोरिदम रन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उस एल्गोरिदम को, यानी कितना एफिशिएंटली वो हम एल्गोरिदम रन कर सकते हैं, वो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू बता सकते हैं कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है यानी एल्गोरिदम इनएफिशिएंट है। क्योंकि आज के टाइम पे हम अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, हम अपने डिवाइसेज यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर एक स्मूथ इंटरफेस रहता है यानी स्मूथ यूसेज रहता है कोई भी पर्टिकुलर फीचर का, लेट्स से ऐप हो गया, वो वेबसाइट हो गया, तो आपको वो चीज़ यूज़ करने में ईजीनेस रहती है। वही चीज़ है कि आपका एल्गोरिदम अच्छा है तो आपका फंक्शन अच्छे से काम करेगा, चाहे आप एप्लीकेशन बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एफिशिएंट है वो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू बता सकते हो कि कितना टाइम लग रहा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है, पर अभी उस डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हम आगे इस बारे में और ज़्यादा बात करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, पर अभी आपको इतना समझ में आ गया। पर अगर हमें यहाँ पे अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा है यानी हम रिटर्न नहीं कर रहे मिड, तो क्या जब ये एरे ब्रेक हो जाएगा तब हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि हमारे पे एलिमेंट नहीं है, तो उसके लिए मैंने -1 रिटर्न किया है। और इधर जब इंडेक्स रिटर्न हो रहा है तो हम इंडेक्स चेक कर ले कि अगर इंडेक्स -1 है तो नॉट फाउंड या फिर फाउंड वाला कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके कंडीशनल स्टेटमेंट्स में मैंने बताया था, आप एक बार जाके वीडियो चेक कर लीजिए अगर आप भूल गए हैं तो। और कैसे आ रहे इनपुट वगैरह लेते हैं वो मैंने आपको बता रखा है इनपुट आउटपुट की क्लास में, तो आप वो चेक कर सकते हो अगर आप भूल गए हो तो। स्कैनर का यूज़ किया मैंने इधर। अब इसको ड्राई रन करते हैं एक बारी, तो स्टार्टिंग में हमारा ये आ रहा था। अब हमारा मिड का वैल्यू क्या है, m=4, उसमें वैल्यू क्या है 5। अब 5 is less than 9 तो हम कौन सा एरर कंसिडर करेंगे, राइट वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे s=mid+1, तो s में क्या स्टोर है 5। अब नया मिड का वैल्यू क्या हुआ, 5 + 8/2, क्योंकि e तो चेंज नहीं हुआ, 5 + 8 is 13/2 is 6, यानी अब हमारा जो इंडेक्स कंसिडर हो रहा है उसमें एलिमेंट 7 है, 7 is less than 9, अगेन हमें राइट साइड जाना है, तो s=7। अब मिड का वैल्यू क्या होगा, मिड का वैल्यू होगा 7 + 8/2 which is 7। अब 7 का हमारा वैल्यू क्या है 8, 8 is less than 9, अगेन एस का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, एस का वैल्यू 8, e is 8, s is 8, तो मिड का वैल्यू इज 8। अब 8, इंडेक्स 8 पे हमारा एलिमेंट 9 स्टोर्ड है, तो ये रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स का वैल्यू यानी 8 रिटर्न करेगा, 8 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट मिला है। पर अगर लेट से यहाँ पे 9 नहीं होता, 10 होता, तो यहाँ तक के तो सारे चीज़ क्लियर है ना आपको कि एस का वैल्यू 8 है, अभी ई का वैल्यू 8 है, या फिर इसको 9 रहने दो, आप एलिमेंट के को 10 कंसिडर करो, पूरा का वैल्यू एज इट इज़ सेम रहेगा। जब आप 8th इंडेक्स एस एम का वैल्यू 8 हो जाएगा, उस पे वैल्यू 9 है, अब आप चेक करोगे कि 10 से तो छोटा है यानी आपको एस का वैल्यू बढ़ाना है, एस का वैल्यू हो गया 9। पर इसमें एक और चीज़ है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एरे ख़त्म हो गया है लास्ट में या फिर फर्स्ट में, अगर आपका एस का वैल्यू ई से बड़ा हो गया, इसका मतलब जैसे आपको इधर दिख रहा है कि आपका इंडेक्स है, आपका एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, इसके आगे कुछ प्रेजेंट हो नहीं सकता क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है और इसके पहले प्रेजेंट हो नहीं सकता, तो आपका एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस एरे के अंदर, तो उस केस में आपने -1 रिटर्न किया, इसीलिए इसका कंडीशन एस शुड बी लेस देन इक्वल टू ई किया है। ये आपका पूरा कोड था, आप एक बार पॉज करके वीडियो पूरा कोड देख लीजिए और एक बार खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सर्च के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि कोड में इसके बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस, कि हम किस किस टाइप के क्वेश्चन में बाइनरी सर्च को यूज़ कर सकते हैं और इसका इम्पोर्टेंस किधर किधर हमको महसूस हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।